संसार हुआ ओंकार से नाद उठा और स्वयं ही हरि अवतार हुआ ओंकार से नाद उठा और स्वयं ही हरि अवतार हुआ मथुरा ज्ञान देव के चरण पड़े तो
सिद्ध बेट के भाग्य जगे। हर्ष के मेले इंद्रायणी के, हर्ष के मेले इंद्रायणी के, तट पर सौ सौ बार लगे, तट पर सौ सौ बार लगे। ओ संसार साधनम कार्य पूर्ण हो गया। निवृत्ति, ज्ञानदेव, सोपान और मुक्ता, ऐसे चार पुत्रों ने विरक्ति की संसार लता पर जन्म लिया। विठ्ठल पंत नित्य अपने बालकों को अपने घर के आंगन में वेद और श्लोक पाठ कराते। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यम्, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, पूर्वारुकमीव बन्धनात्, मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्, अब मैं भिक्षांदेही के लिए जाता हूँ। तुम गुरु परंपरा के श्लोकों का पठन करो। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं नन्दातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदीसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। संत ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर। ॐ नमः भगवते नमः, श्री गुरुवे नमः। शंभु हर 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 हर। ओम आई शिव 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 दया क्षमा शांति वास सदा मन में, ज्ञान यही जग में शास्त्राधार। राम कृष्ण हरि जय जय मुकुंद मुरारी, मुकुंद मुरारी जय जय मुकुंद मुरारी। ओम भवति भिक्षान्देहि, ओम भवति भिक्षान्देहि, ओम भवति भिक्षान्देहि, ओम भवति भिक्षान्देहि। पापी भ्रष्टा तुम, अरे निर्लज्ज जीव, यह मधुर देव वाणी संस्कृत श्लोक कह कह कर इन पवित्र श्लोकों को भ्रष्ट मत कर। केवल संस्कृत पाठ पठन करने से कोई उच्च सुसंस्कृत नहीं कहलाता रे मूर्ख। अजी
भिखु शास्त्री जी, इस नत द्रष्ट ने तो पापियों का वंश बढ़ा रखा है। शिव 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 शिव, मेरे सारे शरीर की आग होती है, जलता है शरीर। इतनी बार कहा है, यहाँ मत आया कर। ओम भवति भिक्षां देहि, ओम भवति भिक्षां। शांत है श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैं आपसे विनम्र क्षमा चाहता हूँ, कृपया वाद न करें। देखते हो क्या, मारो मति भ्रष्ट हो, जो एक ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण को लता प्रहार से इस तरह अपमानित कर रहे हो। विठल बंधु, हे परमेश्वर, मैं खेल के दिखाता हूँ। हे परमेश्वर, रक्षा कर। बाबा बाबा बाबा, आज हमें हिरण्यकश्यपु की कहानी सुनाओगे ना? सुनाऊंगा पुत्र, सुनाऊंगा। ये रथ आई आई, क्या हुआ मुक्ता? ये रथ, हे भगवान, ये रथ, ये लो भिक्षा। सब भूखे हैं ना, भोजन करेंगे। किसने मारा बाबा? ज्ञाना बाबा, आप ही कहते हैं ना, ईश्वरा सर्वभूताना हृदय सर्जन तिष्ठति। ईश्वर हर प्राणी मात्रा में विराजमान होता है, फिर वही आत्मा अपने शरीर को क्यों दुख देता है बाबा? अज्ञानी अविचारी होता है पुत्र, क्रोध कपट ये अपरिपक्वता के लक्षण है। मगर आपको क्यों मारा बाबा? पुत्र, जहाँ कुरूपता है वही रूपवान का मूल्य होता है। रात्रि का अंधकार नहीं होता तो सूर्य प्रकाश का मूल्य शून्य होता। उसी तरह यदि अज्ञानी नहीं होते, सभी ज्ञानी होते तो विद्वत्ता का मूल्य शून्य होता। जिसने मुझे मारकर शासन करना चाहा, यदि उसकी कृति सत्य है तो मुझे ईश्वर शक्ति देंगे। मुझे शासन देने में उसकी भूल होगी तो निश्चित उसे दंड मिलेगा। न्याय देना ईश्वर का काम है, हमें केवल कर्म करने चाहिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। है पत्ते घास फूस और लकड़े से बनी, उसे जला दो। जला दो, हम जला दूंगा श्रीमान, किंतु धन तो पाऊंगा ना। चार स्वर्ण मुद्रा है। चार स्वर्ण मुद्रा, अधन्य आप। उस पाखंडी की जलती हुई पर्णकुटी को मैं न्याय के इस तट पर करारे कर देखूंगा। अजी कैसा अधर्म है ये, गृहस्थाश्रम से संन्यासाश्रम और संन्यासाश्रम से पुनश्च गृहस्थाश्रम। जला दो, जला दूंगा श्रीमान, जला दूंगा। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम, श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणो वचसा गृणामि, श्री रामचंद्र चरणो शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणो शरणं प्रवद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रा, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रा, सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालु, नैनं जाने नैव जाने न जाने, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य। कौन कौन है वहां?
कौन हो तुम और ये अग्नि कैसी? क्षमा हो पुण्यात्मा, हमारी पाप बुद्धि हमें यहाँ ले आई। रुद्रम भट्ट और बल्ला भट्ट ने ये कहा कि सिद्धपीठ जाकर आपकी पर्णकुटी को जला दे और हम आपकी योग्यता समझे बगैर ही ये पाप करने चले आए। आप हमें क्षमा कर दीजिए। पश्चाताप ही पापक शालन है बंधु। आपने हम जैसों को बंधु कहा, आप हमें अपने चरणों में जगह दे दीजिए, हम आपकी सेवा करेंगे, आपकी सेवा करेंगे। जाति रेखा पुरा जाति दाति कल्पै वेन्द्रणाम। जाति रेखा पुरा जाति दाति कल्पै वेन्द्रणाम। नृपक्षी पशवो भिन्नः जातया परिकीर्तिदाः। नृपक्षी पशवो भिन्नः जातया परिकीर्तिदाः। नाहं मनुष्यो न च देवयक्षो न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रः। नाहं मनुष्यो न च देवयक्षो न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रः। न ब्रह्मचारी न गृही वनस्थो भिक्षुर्न चाहं निजबोधरूपः। न ब्रह्मचारी न गृही वनस्थो भिक्षुर्न चाहं निजबोधरूपः। और श्रीमद् शंकराचार्य जी द्वारा हस्तमलक के मस्तक पर हाथ रखते ही हस्तमलक का सारा अज्ञान समाप्त हो गया। शंकराचार्य जी ने उसे पूछा, तुम कौन हो? हस्तमलक ने उत्तर दिया, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, जो स्वयं ही अपने आप में शुद्ध है। उसे बाह्य कर्मों की आवश्यकता ही नहीं होती। ऊंच नीच भेदाभेद की सीमाएं टूटने के बाद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये भाव लुप्त हो जाते हैं। उन्हें भिन्न जाति समझकर भेदभाव रखना पाप है। वाह वाह ज्ञान देवा, तुम्हारी जिह्वा से तो साक्षात शंकराचार्य जी बोल रहे हैं। बाबा, ज्ञान दादा और निवृत्ति दादा सदा ऐसे ही महाज्ञानी की तरह बातें करते हैं। क्यों नहीं मुक्ता, निवृत्ति और ज्ञानदेव के हृदय में साक्षात ज्ञान भंडार समाया हुआ है और फिर समाज में घटने वाली हर घटना का पूर्ण अभ्यास करके और उसको बुद्धि की निकष पे खरा उतार के स्वीकार करना ही ज्ञानदेव का स्वभाव है। अज्ञान से स्वीकारी हुई हर बात अंधकार के मार्ग से मिलती है। हरिओम हरि हरि ओम हरि ओम नमो हरि मुरारी। अब तुम अपना अभ्यास करो। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् पूर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। कहाँ जा रहे हो? भिक्षान्देह के लिए तो जाना ही होगा ना, घर में धान्य का एक दाना भी नहीं है, बच्चे क्या खाएंगे? मगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ज्वर भी है, मुद्राग्लान तथा थकी थकी सी लग रही है। तो क्या करूं? कितने सुंदर और निरागस बच्चे हैं, किंतु ना ही हम इन्हें पूर्ण भोजन दे सकते हैं ना ही वस्त्र। साक्षात सरस्वती इन पर प्रसन्न है। वेदाभ्यास और शास्त्राभ्यास में भी इनकी उन्नति असाधारण है। अगर मेरे कारण ही इनको अपमानित होना पड़ता है, सन्यासी पुत्र कहकर बहिष्कृत होना पड़ता है, इस सब के लिए मैं अपने आप को दोषी समझता हूँ और इसी चिंता से विभोर हो जाता हूँ रुक्माई। वर्णाश्रम में इन बच्चों को प्रवेश नहीं मिला तो इनका भविष्य क्या होगा? ये अन्नान दशा और अपमानित जीवन व्यतीत करेंगे क्या? सदगुरु श्री पार्थ स्वामी, हमें मार्ग बताएं। हम आपके ही बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, रक्षण करें। मैं विचार करता हूं कि धर्माचार्य जी से विनती करूंगा और कहूंगा इन बच्चों और हमें वर्णाश्रम में ले लिया जाए। किंतु धर्माचार्य जी सम्मति देंगे? पता नहीं, प्रार्थना करना मेरा कर्तव्य है। निवृत्ति ज्ञानदेव सोपान इनका उपनयन व्रतबंधन संस्कार होना अति आवश्यक है।
बच्चों का भविष्य अंधकार में नहीं होना चाहिए। आचार्य जी, मैं तो कहता हूँ एक पाखंडी को लत्ता प्रहार करने से कोई ईश्वर कोप नहीं होता है। और क्या, सन्यासी और चार पुत्रों का पिता। शिव शिव शिव, ऐसा धर्मी ऐसा निर्लज्ज भिक्षा मांगता है। नहीं आचार्य, महाब्राह्मण ब्रह्मज्ञानी के अपमान की यह परिणति, यह लाचार अवस्था हो सकती है। अर्धांग वायु अपमान उपमान तुम हमारा कर रहे हो। वो पापी ग्रस्त सन्यासी ग्रस्त आश्रम में प्रवेश कर कर चार पुत्रों को जन्म देता है। अधर्मी को शासन करना कोई पाप नहीं है। प्रणाम आचार्य। तुम्हारा तपोबल इतना महान है कि तुम्हें लत्ता प्रहार करने वाले रुद्रम भट्ट को अर्धांग वायु का शासन ईश्वर ने दिया। हरिओम हरिओम, महाज्ञानी की ये अवस्था। इतना उपहास मत कर मूर्ख, महाज्ञानी धर्माचार्य से तू वार्ता कर रहा है। उपहास नहीं आचार्य, ब्रह्मज्ञानी का कपट देखकर यातना होती है। ढोंगी, शब्द छल मत कर। जो स्वयं पाप वंश का निर्माण कर रहा है ऐसा भ्रष्ट पुरुष न इतिहास ने देखा है न भविष्य देखेगा। चलिए चलिए आचार्य जी। शिव 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 ज्वर कम नहीं हो रहा है। हो जाएगा। हरिओम गुरुदेवा। देखिए अब आप शांत निद्राधीन हो जाइए, विचार मत कीजिए। यत्न तो वही कर रहा हूँ, धर्म श्रेष्ठियों का व्यवहार बड़ा कठोर है। वर्णाश्रम में इन बालकों को प्रवेश नहीं मिला तो क्या होगा। बाबा, मनुष्य मनुष्य में भेद क्यों है? ये मानव स्वभाव है गांधी, क्रोधी और अहंकारी समाज पर अपना अधिकार सिद्ध करने हेतु धर्मशास्त्र का अनुचित प्रयोग करते हैं। आत्मिक उन्नति और आत्मिक शुद्धि से अधिक लौकिक आचरण को अधिक महत्व देकर धार्मिकता की सीमाएं खड़ी कर देते हैं। अन्यथा शास्त्रों में तो निष्ठा का अधिक मूल्य है। चातुर्वर्ण्यम तुम जानते हो ना? हाँ बाबा, आपने जो बताया वो मैंने मनुस्मृति में बंद कर लिया है। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्मम विभाक्षः। श्रीमद् शंकराचार्य जी कहते हैं, तत्व प्रधानस्य ब्राह्मणस्य तत्वोपसर्जन रजः, प्रधानस्य तत्व गुण प्रधान ब्राह्मण, रजोगुण प्रधान क्षत्रिय, तमोगुण गौण वैश्य, समोगुण प्रधान शूद्र। ये गुण तो कर्म विशेष है, जाति नहीं। सारे प्राणी ब्रह्मा विष्णु महेश रूप में परमात्मा है। कैसे देववाणी बोलता है हमारा ज्ञान देव। इस आयु में इतना अभ्यास साधारण बात नहीं है, किंतु ब्रह्म वृंदों को कौन समझाएगा? उपनयन व्रत बंधन पश्चात ही वर्णाश्रम में प्रवेश हो जाएगा, क्या करूं? बाबा आप चिंतित ना होइए, बुद्धेर आत्मा महान पराः, बुद्धि से ऊपर परमात्मा है। हमें परब्रह्म परमेश्वर का आश्रय मिल जाए
तो लौकिक उपाधियों का प्रयोजन नहीं रहेगा। धन्य हूँ, ऐसे पुत्र रत्न पाकर मैं धन्य हो गया। प्रणाम श्रीमान जी। रायबा, देवबा, आओ आओ मित्रों आओ, इस कुटिया में संकोच मत किया करो। जिसकी आत्मा शुद्ध होती है वो परमात्मा का ही रूप होता है। सुना है आपको ज्वर है, ये कुछ वनस्पति लाया है, इससे आपका ज्वर नष्ट हो जाएगा। रायबा काका, आप बहुत भले हैं। और मैं? आप भी। देखा रुक्मिणी, अलंकापुर के धर्म रक्षक इनको पशु कहते हैं, किंतु ये तो मानवता के प्रतीक हैं। श्रीमान जी, संत ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर।